नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शक न्यूज 24 और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के नैनी थाना अंतर्गत ईडी कॉलोनी में। और यहां पर हम आपको बता दें कि एक घर में विगत रात्रि चोरी हुई है और चोरों के हौसले किस तरह बुलंद है और आए दिन जो है इस तरह की तमाम चोरी की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं। तो ऐसे में आज की रात्रि जो है यहाँ पर एक मकान नंबर है EJ32, सुधीर कुमार जायसवाल जी हैं, उनके घर में जो है चोरी हुई है। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या क्या चोरी गया है और चोरी कैसे हुई है, किस तरह हुई है। तो अभी उनसे हम जानकारी लेते हैं कि अभी जो है हमारे साथ उनकी माता जी हैं और ये घर पर थी। इनसे पहले पूछते हैं क्या नाम हुआ माता जी? चंपा। क्या हुआ है? चोरी। चोरी कब हुई है? आज रात में। आज रात में हुई है। क्या क्या हुआ है चोरी? चोरी हमारे 3000 रुपया थे, एक जंजीर थी, एक लॉकेट थी। अच्छा। और उसमें बहुत से कागज रहे हैं। अच्छा। हम खून उन सब टेस्ट कराए रहे। हाँ। सब कागज भी रहे हैं। हाँ। और बहुत से सामान रहा है, सब ले गए। हाँ, झोला सुधा उठा ले गए। अच्छा। हम झोलम भर के अपने एक खटिया के पास टांगे रहत रहे। हाँ। तो उस दिन हमारा छोटा वाला लड़का आ रहा है, वो हमको 3000 रुपया देख गया। हम कोई खर्चा नहीं किया। अभी परसों नरसों दे के गया और हमारा सब ले गया, मोबाइल भी उठा ले गया, उसको भी ले गया। अब बिस्कुट उस्कुट का झोला टांगा रहा, उसको नीचे रख दिया, बाकी सामान सब उठा ले गए। हाँ, मोबाइल, केवल मोबाइल और वही झोला, और झोले में जो सामान था। हाँ, वो सारा। हाँ हाँ, चलिए ठीक है। तो अभी जो है हमारे साथ बने रहे खबरों में। यहाँ पर हमारे साथ जो है सुधीर कुमार जायसवाल जी हैं, उनसे जो है मिलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं जिनके घर में ये वारदात हुई है। और आए दिन हम आपको बता दें कि ये प्रयागराज शहर का जो नैनी थाना अंतर्गत ADA कॉलोनी, यहाँ पर आए दिन जो है चोरों का आतंक देखा जाता है। और यहाँ पर जो है ज़्यादातर जो नशा प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे कि स्मैक और इस तरह के जो नशीले पदार्थ करते हैं, ऐसी घटनाओं को ज़्यादातर अंजाम देते हैं। और कई बार जो है इस तरह की घटनाओं का जो है प्रत्यक्ष रूप से सामना भी हुआ है और कई बार जो है पकड़े भी गए हैं। तो ऐसे में देखते हैं क्या होता है, अभी इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार जायसवाल। क्या हुआ है? चोरी रात में हुई है। आज की रात? आज की रात। अच्छा, क्या लगता है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, ये कोई पहली घटना या इससे पहले इस तरह कई घटनाएं? इसके बाद कई बार, इसके पहले कई बार घटनाएं हो चुकी मोहल्ले में। अच्छा। हाँ, ये स्मैकियों को टोटल काम है, स्मैक बहुत ज़्यादा नैनी में यहाँ पे। यहाँ पे तो क्या क्या चोरी गया है अमूमन आपका? माता जी की पायल। हाँ। लॉकेट, दो जोड़ी पायल थे उसमें। दो जोड़ी पायल। हाँ, एक लॉकेट था, साथ सोने की जंजीर भी थी उसमें, इनका पैसा था कुछ उसमें। अच्छा। और मेरा एक मोबाइल नीचे से गायब हुआ। मेरा भी मोबाइल। फोन फोन कितने थे? फोन दो दो फोन। एक फोन माता जी का था, एक फोन मेरा था। तो क्या आपने जो है संबंधित घटना का जो संबंधित घटना की जानकारी थाने में दी? नहीं, थाने दे दी हमने। दे दिए। तो क्या कहा गया कि कार्रवाई करेंगे, देखेंगे, करेंगे, यानी कि घटना की जानकारी आपने दे दी है? थाने दे दी हमने। तो ये आप सुन रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पर चोरी की घटना को जो है अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर जो बता दें कि नशा प्रवृत्ति के लोग हैं, जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं और इस तरह की चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि आज की रात जो है इनके घर में पूरे दरवाजे बंद थे, फिर भी किस तरह से चोरी हुई आपने सुना। और इनके जैसा कि इनके बताने के मुताबिक इनके घर से जो है कुछ आभूषण और मोबाइल फ़ोन और कुछ कैश, कैश भी चोरी हुआ है। कैश माता जी का था। कैश कितना था? लगभग 8000। 8000 रुपये कैश, नहीं 8000 रुपये कैश और दो फोन और आभूषण। आभूषण, चलिए ठीक है। तो ये आप सुन रहे हैं कि इनके कहने के मुताबिक यानी कि कुछ आभूषण थे जैसा कि आप लोगों ने सुना, और 8000 रुपये और दो एंड्रॉयड फ़ोन। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो है यहाँ पर घटित होती रहती है। तो अभी देखना ये है कि इन्होंने जो है संबंधित थाने में अप्लीकेशन दिया है और वहाँ से क्या रिजल्ट आता है, क्या कार्रवाई होती है, ये देखना बाकी होगा। तो आगे जैसा भी जिस तरह का जो है सिचुएशन सामने आता है तो हम आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ खबरों में, देखते रहिए दर्शक न्यूज 24 अपने सहयोगी इंदु प्रकाश के साथ। मैं आर के साथ हर खबर आप तक।